हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे और मैं भी यहाँ पर खुश हूँ। तो सुबह की बजी है अभी 4:45 और आधा घंटा जल्दी उड़ गई हूँ क्योंकि आज जेंस आपको सुबह जल्दी जाना है कहीं पर, तो उसी चक्कर में आज नींद भी जल्दी खुल गई थी। उनको 5 बजे एक्चुअली उठना था, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि 5 बजे उठाना, तो मैंने 15 मिनट पहले का अलार्म जो है वो लगाया था। तो 4:45 बजे अभी मैं उठी हूँ और जल्दी से सबसे पहले रख रही हूँ चाय, क्योंकि वो चाय पी के और फिर उनको जाना है, तो सबसे पहले मैंने रखी है चाय। और बच्चों को अभी नहीं उठाया, बच्चों को उठाऊंगी मैं 5:30 बजे के करीब। और कल रात से ही मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लग रही। तबीयत ठीक है मतलब, लेकिन बॉडी पेन वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन जो एक एनर्जी काम की रहनी चाहिए ना, वो कल रात से ही गायब हो गई थी। मतलब धीरे धीरे से ही काम कर रही हूँ। और सुबह जो है वो भी बड़ी मजबूरी में ही आज उठी थी, क्योंकि उनको जाना है जल्दी, तो फिर मुझे चाय जो है वो बना के देनी ही थी, तो इसके लिए। और वैसे भी मैं 5:15 बजे तो उठती ही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आधा घंटा पहले उठ जाती हूँ। तो जैन साहब चले गए हैं और अब 5:30 बज गई है। अब मैं उठा रही हूँ बच्चों को, और बच्चों को उठाते उठाते 2-3 बार तो मैंने भी एक छोटी छोटी सी झपकी जो है वो ले ली थी। बच्चों को भी उठाती जा रही हूँ और इधर मैंने गीज़र जो है वो ऑन कर दिया है, बाल्टी भरने के लिए रख दूँगी क्योंकि पूरी बाल्टी भरेगी। और उसके बाद में मेरे को एक बाल्टी को बाहर वाले बाथरूम में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बाहर वाले बाथरूम में नहाता है और एक अंदर। तो और इधर बच्चे जो है वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बहुत गहरी नींद आ रही। एक्चुअली कल परी जो है वो थोड़ा लेट सोई थी, उसको कुछ एक्टिविटी स्कूल में सबमिट करनी थी ना, तो वो 11:15 बजे तक एक्टिविटी कर रही थी और उसके बाद में फिर वो सोई, उसको नींद आई तो करीबन 12 बज गई होगी। तो इतना लेट सोते हैं बच्चे ना, तो फिर उसके बाद में सुबह जल्दी उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वही चीज़ मेरे साथ में भी हो रही थी, क्योंकि मेरे को भी सोते सोते 12:30 बज गई थी और फिर सुबह इतना जल्दी उठी थी। और बस अभी बच्चे जो हैं वो गए हैं नहाने के लिए और अब मैं आई हूँ किचन में, जल्दी से बनाऊँगी बच्चों का टिफ़िन। तो बच्चों के टिफ़िन में आज मैं बनाने वाली हूँ धनिया का पराठा। तो ढेर सारा धनिया, एक्चुअली कल ही लेके आई थी धनिया की, एक बड़ा सा बंच लेकर आई थी। आजकल सब्जियाँ जो है ना वो हरी सब्जियाँ जो है वो तो थोड़ी सी महंगी हो गई है, पत्ते वाली सब्जियाँ काफ़ी सस्ती मिलती है आजकल। तो मैं बड़ी सी बंच था जो मुझे 20 रुपये में ही मिला था, तो वो मैंने धनिया जो है वो साफ़ करके रखा था। तो उसी समय मैंने सोचा था कि मैं बच्चों के टिफ़िन में धनिया का पराठा बना दूंगी और दोनों को पसंद भी बहुत है धनिया का पराठा। तो बस बहुत सारा धनिया जो है वो मैंने साफ़ कर लिया है, बारीक बारीक चॉप किया, उसमें थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी और ऐड कर दी है। और अब थोड़ा सा मसाला जो है वो मैंने तैयार किया है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, धनिया और नमक। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें जो है वो डाल के मसाला तैयार कर दिया। आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था, सबसे पहले आटा ही लगाती हूँ ताकि आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद में बस थोड़ी छोटी सी रोटी बना के उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने तेल लगाया, तेल या घी कुछ भी लगा सकते हैं। और उसके बाद में जो मैंने मसाला तैयार किया, थोड़ा सा मसाला लगा दिया और फिर उसके अंदर मैंने ढेर सारा धनिया और जो मैंने मेथी का जो मिक्सचर तैयार किया था ना वो उसके अंदर डाल दिया। तो इस तरीके से फिर मैं 5 से 6 लोई जो है वो तैयार करके रख दूँगी और उसके बाद में फटाफट से पराठे जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से पराठे बनाते हैं ना, तो जल्दी जल्दी पराठे बन जाते हैं। और ये वाली स्टफिंग जो है इसके लिए तो आपको गैस जो है वो भी चालू करने की ज़रूरत नहीं है, बस फ्रेश सा धनिया आपके पास में है तो बस वो ढेर सारा हरा धनिया जो है वो चॉप कर दो। और थोड़ी सी मैंने मेथी डाल दी थी तो उससे पराठों के अंदर काफ़ी अच्छी खुशबू आने लग गई थी। अच्छा, काम करते करते मैं आपके कुछ कमेंट के आंसर दे देती हूँ, क्योंकि ना मैं भूल जाती हूँ। मुझे ना क्वेश्चन आया था, ये पहले भी आया था और अगेन मेरे पास में कल के वीडियो में भी आया था कि जो मैं दाल वगैरह रखती हूँ ना, तो उन दालों के अंदर कुछ टैबलेट जो है वो मैंने डाली हुई है। तो वो मेरे को ये पूछ रहे थे कि ये कौन सी टैबलेट्स आपने डाल के रखी है। तो देखो, ये जो टैबलेट है वो मार्केट में नहीं मिलती है, ये राजस्थान मतलब हमारे वहाँ पर मेरे घर पर होममेड जो है वो बनाई जाती है। मुल्तानी मिट्टी के अंदर जो पारा होता है ना, मरकरी, वो मिला के और फिर बनाया जाता है। मैंने कभी नहीं बनाई है, हमारे उधर ही कोई ना कोई बनाते हैं तो वहीं से ही हम लोग लेकर आए थे। और इसका कोई नाम वगैरह भी नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है कि मैं आपको सजेस्ट करूँ और आप लेकर आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपने जब पहले भी मेरे को क्वेश्चन किया था ना, तो मैं उसका आंसर जो है वो नहीं दे पाई थी, लेकिन अगेन जब ये क्वेश्चन आया तो मैंने सोचा कि चलिए इसका आंसर जो है वो दे देती हूँ। और वैसे ना मार्केट के अंदर अभी कहाँ पर मिलेगी
वो तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन जो पंसारी की शॉप वगैरह होती है ना वहाँ पर शायद मिल जाए कि आप अनाज वगैरह जो है वो ख़राब नहीं हो, जिनसे कीड़ों से बचाने के लिए कुछ शायद टैबलेट्स वगैरह जो है वो आती है, आप ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इधर पराठे जो है वो बन गए, पराठे अच्छे से ठंडे हो गए हैं और इतने यम्मी दिख रहे हैं ना पराठे देखने में और खाने में उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी। एक बार ट्राई ज़रूर करना आप लोग। और बस सॉस के साथ में ही मैं रख रही हूँ क्योंकि अचार तो है ही नहीं, बाकी अचार के साथ में ये पराठे और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को सॉस के साथ में ज़्यादा पसंद है। और साथ में मैं रख दूँगी स्ट्रॉबेरी, आजकल स्ट्रॉबेरी का सीज़न चल रहा है ना, तो मार्केट में जहाँ देखो वहाँ पर ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज दिखती है यहाँ पर। तो मैं कल ही 4 पैकेट लेकर आई थी, तो बच्चों को स्ट्रॉबेरी पसंद भी है। और अभी जो स्ट्रॉबेरी आती है ना सीज़न की, वो मीठी मीठी आती, खट्टी नहीं आती, मीठी मीठी, तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस इधर टिफ़िन जो है वो तैयार हो गया, टिफ़िन में भर दूँगी और बॉटल जो है वो मैंने पहले ही भर के रख दी थी। और बच्चों के जो नाश्ते में अभी खाने के लिए भी मैंने एक एक छोटा छोटा सा पराठा बना दिया है। और इधर चाय मैंने पहले ही बना के रख दी थी, पराठे भी ठंडे हो गए हैं, तो दोनों बच्चों को मैं फटाफट से उनका नाश्ता दे दूँगी। अच्छा, उनके पसंद की चीज़ होती है ना तो फिर वो ना नहीं करते, अगर मैं उनकी पसंद की चीज़ नहीं बनाती हूँ ना तो वो बोलते मम्मी हमको सुबह सुबह खाने का मन नहीं होता, हमारा पेट दर्द होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन आज उनके पसंद के पराठे थे ना तो कुछ नहीं बोले, जैसे ही मैंने उनको दिया और खुशी खुशी से खा लिया। और अब बारी आ जाती है बहुत ही बड़ा काम, वो है परी की चोटी बनाने का। और आप उसका मुँह देख सकते कितना उसने अपना मुँह बिगाड़ के रखा है ना। और चोटी बनाते बनाते मैंने उसे इतनी सारी बातें करी, इतना उसको पकाया और लास्ट में तो फिर उसको हंसी आ गई, मम्मी आप कितना पकाते हो, मुझे कितना पकाते हो। और उसके बालों में ना गुच्छे नहीं पड़े, इसके लिए ना रात को ही बाल जो है उसमें से गुच्छे वगैरह निकाल के और इस तरीके से मार्जिन बना देती हूँ और 2 पोनी जो है वो रात को ही बना के और एकदम लूज सी चोटी बनाती हूँ ताकि उसको हेडेक नहीं हो। एकदम टाइट चोटी नहीं बनाती हूँ, ढीली ढीली सी, लेकिन यही है कि बालों में इतने ज़्यादा गुच्छे नहीं पड़ते हैं सुबह सुबह। तो इधर बच्चे जो है वो तैयार हो गए हैं और अब मैं जाऊँगी जल्दी से उनको नीचे छोड़ने के लिए, फिर आके आपसे मिलती हूँ। अच्छा, अभी मैं डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ, 7:30 बजे, करीबन 1.5 घंटा हो गया है मुझे बच्चों को छोड़ के ऊपर आए हुए। आने के बाद में मैंने 1 गिलास गर्म पानी पिया था क्योंकि मैंने सुबह नहीं पिया था। और उसके बाद मैं चाय बनाई मस्त मसालेदार, वो भी पी और फिर मैं शावर वगैरह लेके निकली हूँ। अभी कुछ देर पहले ही मम्मी जी भाऊजी चले गए हैं मंदिर, और जैसे ही वो मंदिर गए और मैं नहा के निकली तो सबसे पहले मैंने ये बच्चों की जो रूम की है ना उसकी खिड़की ही खोली, क्योंकि ये रूम की जो खिड़की है ना वो अक्सर बंद ही रहती है क्योंकि इस कमरे में भाऊजी रहते हैं ज़्यादातर, तो उनको ठंडी लगती, ठंडी ठंडी हवाएं आती है ना यहाँ से, तो फिर वो खिड़की नहीं खोलने देते। तो मैंने सोचा कि अभी वो वैसे भी मंदिर गए हुए हैं तो अभी मैं कुछ देर के लिए खिड़की खोल देती हूँ ताकि फ्रेश एयर कमरे के अंदर आएगी ना तो कमरा एकदम फ्रेश हो जाता है, एक गंदी जो स्मेल वगैरह आती है ना वो सब बाहर चली जाती है। तो इसके लिए मैंने खिड़की खोली और सोचा कि इस कमरे की सफाई जो है वो भी कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह की बज गई अभी 8 और अभी बस कुछ देर पहले ही मैं शावर वगैरह लेके निकली हूँ और आज फिर से गला जो है वो मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना आवाज़ को, मेरी मोटी मोटी से आवाज़ आने वाली है। अच्छा, इस बार पता है मौसम में क्या हुआ है कि मौसम तो क्या हमेशा ऐसा ही रहता है, मतलब हर साल जब ठंडी होती है तब मिला जुला मौसम ही होता है, लेकिन इस बार पता नहीं पूरे 1.5 महीना हो गया सर्दी पड़े हुए यहाँ पर। मुश्किल से 10 दिन ऐसे निकले होंगे कि जब मेरे गले ने मेरी आवाज़ जो है उसने मेरा साथ दिया होगा, मतलब हमेशा मेरे गले के अंदर है ना जैसे खराश रहती रहती है। और अभी कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी और आज मुझे अगेन ऐसा लग रहा है कि मेरे को थोड़ी सी गले में खराश है, दर्द वगैरह कुछ नहीं हो रहा है और इसकी वजह से ना मतलब काम की ना एनर्जी नहीं बन पा रही, काम तो कर रही है ऐसा नहीं, बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है और कमरे की मैंने डस्टिंग जो है वो अभी कर दी है, तो काम तो मैं कर रही हूँ लेकिन जो होता है कि एनर्जी के साथ में आप काम करते हो सारे, वो एनर्जी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है काम की। तो करूँगी खैर धीरे धीरे, ऐसा नहीं है फुल स्पीड में जैसे हमेशा काम होते हैं ना बैक टू बैक, मतलब एक साथ में 2 या 3 काम जो है वो मैं करती हूँ वैसा मैं नहीं कर पा रही हूँ। तभी बस उस कमरे की जो है वो मैंने डस्टिंग करी है और अब मैं जाऊँगी किचन के अंदर, जल्दी से करूँगी लंच की तैयारी। और लंच में बनाने वाली हूँ एक अच्छी सी रेसिपी, ठीक है, शेयर की हुई है चैनल पे, ऐसा नहीं पहले कई बार मैंने शेयर करी हुई है लेकिन बहुत दिन हो गए बनानी है, सोचते सोचते बहुत दिन निकल गए तो सोच रही हूँ कि आज तो बना ही देते हैं।
अच्छा किचन में किस किस को देख के पता चल गया है कि मैं आज लंच में क्या बनाने वाली हूँ, जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए और जल्दी से ना एक मेरे वीडियो को लाइक दे दीजिए जल्दी से ना, उसके बाद में आगे का वीडियो देखिए। और आज जैसे कि आपको बताया कि मेरे को काम करने की बिल्कुल भी एनर्जी जो है वो नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं कुछ अपने जो पुराने वीडियोज़ है ना वो चला देती हूँ, क्योंकि कई बार आप लोग भी कॉमेंट करते हैं ना कि आपके वीडियोज़ हमको देखना काफ़ी अच्छा लगता है, आपके वीडियो देख के हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं, काम करने की एनर्जी आ जाती है। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं भी मेरे पुराने जो वीडियो है वो चला देती हूँ और फिर काम करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने जो वीडियो है मोबाइल के अंदर वो चला दिया है और अब मैं जल्दी से कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो लंच में मैं बनाने वाली हूँ लौकी के पराठे। तो 3 से 4 दिन हो गए इस लौकी को लाए हुए, मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है पराठे बनाने का, लेकिन आज तो सोचा कि चलो बना ही देती हूँ। तो अच्छा लौकी जो है ना, जब मैं पराठे बनाती हूँ तो लौकी को छिलती नहीं हूँ, क्योंकि ना बहुत ही इसके जो छिलके हैं वो सॉफ्ट हैं तो उसको छिलने की ज़रूरत नहीं है। सब्ज़ी बनाते हैं तब तो छिलना पड़ता है, लेकिन पराठे के अंदर तो वैसे भी इसको ग्रेट कर रहे हैं तो छिलके जो है वो भी ग्रेट हो जाते हैं। तो बस अभी जल्दी से पराठे जो है वो मैं बना दूंगी। अच्छा आप सबको मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप यदि मेरे वीडियोस को बहुत टाइम से देख रहे होंगे तो मुझे ये बताइए कि जो मेरे पहले वाले जो वीडियोस होते थे वो और अभी के वीडियो में क्या डिफरेंस है, आपको कुछ डिफरेंस लगता है कि नहीं लगता है। मैं अपना एक्सपीरियंस यदि आपके साथ में शेयर करूं तो मेरे चैनल को करीबन 2 साल हो गए हैं और आज से 6 महीने अगर पहले तक की मैं बात करूं, 6-7 महीने पहले की ना, तो मैं ना बिल्कुल भी जैसे ना कैमरे के सामने जो मैं आजकल बात करती हूं ना वैसे मैं नहीं कर पाती थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा ना एकदम शायनेस से लगती थी, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था, मैं हमेशा वॉइस ओवर ही करती थी। यदि आप मेरे पहले के वीडियोज़ देखेंगे ना तो उसके अंदर मैं सामने से बात करती हूँ आपको कम दिखूँगी, मैं वॉइस ओवर ज़्यादा करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे होता है ना कि आप किसी काम को करने लग जाते हो तो आप उस काम के अंदर मतलब डेडिकेशन से भी काम करते हो और एक्सपर्ट हो जाते हो काम करते करते, तो वही चीज़ फिर मेरे साथ में ही। और जब मैंने पहली बार कैमरे को सामने रख के फिर मैं बात करने लगी ना तो मेरे को अपनी उस वीडियो को कितना डिलीट करना पड़ा था, कम से कम 10 से 12 बार मैंने उस वीडियो को डिलीट किया और उसके बाद में एक परफेक्ट जो वीडियो आना चाहिए था ना वो वीडियो आया था। तो ये बात है और आप सबको क्या डिफरेंस जो है वो मेरे वीडियो में लगे हैं तो मुझे मेरे साथ में शेयर ज़रूर करना। तो मसाला जो है वो मैंने तड़का लगा दिया है लौकी के मसाले के लिए और इधर साथ में मैं बना रही हूँ कच्चे टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। तो इसके साथ में ना पराठों के साथ में या तो अचार खा लो या खट्टी मीठी कोई चटनी बना दो, धनिया की चटनी बना दो या फिर अमचूर वगैरह कुछ होता है ना तो वो अच्छा लगता है। तो मेरे पास में कच्चे टमाटर थे, आजकल कच्चे टमाटर भी बहुत आ रहे हैं वो भी खट्टे वाले आते हैं ना, तो खट्टे मीठे बहुत अच्छे लगते हैं इन पराठों के साथ में। तो फिर मैंने पराठे के साथ में वही बनाए टमाटर की चटनी और इधर मसाला जो है वो ऑलमोस्ट पक ही गया था तो अभी मैंने डाल दिया है ढेर सारा बेसन। और इतनी बड़ी लौकी थी ना ये वाली करीबन 2 किलो की लौकी रहेगी और मैं पराठे जब भी बनाती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लौकी लेती हूँ, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी घर के अंदर कोई खाता नहीं है और लौकी जो है वो हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी होती है। तो मैं सोचती हूँ कि पराठे में मतलब स्टफिंग जो है ना वो ज़्यादा ज़्यादा भर भर के पराठे बनाऊँ ताकि लौकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने में आए। तो करीबन 2 किलो जितनी लौकी थी, बड़ी सी लौकी थी, तो पूरी की पूरी मैंने ले ली। और इधर टमाटर जो है वो भी पक गए हैं, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी मसाले, तो बिल्कुल बेसिक वाले मसाले जो है वो डालूंगी और साथ में ना गरम मसाला भी डालते हैं, लेकिन मैं गरम मसाला नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो पराठे जो है वो ऑलरेडी तीखे हैं और फिर दोनों चीज़ें तीखी तीखी हो जाएगी ना तो फिर खाने में अच्छी नहीं लगेगी। और साथ में मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के शक्कर और बस इसी से सब्ज़ी जो है वो खट्टी मीठी बनेगी। और साथ में मैं बनाने वाली हूँ रायता, और क्योंकि बाऊजी जो है ना वो पराठे नहीं खाते हैं, उनको उनके लिए मेरे को प्लेन रोटी ही बनानी पड़ेगी, तो फिर प्लेन रोटी के साथ में सूखी सूखी टमाटर की सब्ज़ी खाने में सही नहीं लगेगी। तो मैंने सोचा साथ में मैं बना देती हूँ रायता, बिल्कुल प्लेन वाला रायता बनाऊंगी, इसके अंदर कोई बूंदी बूंदी या कुछ चीला वगैरह नहीं डालने वाली हूँ, सिर्फ तड़का लगाऊंगी इसके अंदर जीरे का और हींग का। तो खाने की तैयारी व्यारी करके और फिर मैं चली गई थी मंदिर और अभी आई हूँ कुछ देर पहले ही मंदिर से। तो इधर सब्ज़ी जो है वो भी तैयार हो गई थी और मसाला जो है वो मैं कढ़ाई में ही फैला के गई थी ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए, और आके फिर मैंने जल्दी से बना दिए थे पराठे। और अभी हम सबका खाना वाना हो गया है और अब मैं लग पड़ी हूँ किचन की सफाई में। वैसे तो आज मेरे को इतना ज़्यादा आलस आ रहा था ना, मतलब यूँ खाना खाने के बाद में तो ऐसा लगा कि बस मैं जाके सो जाऊँ, क्योंकि ना नींद जब पूरी नहीं होती ना तो फिर आपको यूँ लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जबकि मेन चक्कर ये था कि मेरी 2 दिन से नींद पूरी नहीं हो रही थी।
तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि मैं हाथों हाथ सफाई कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर ये काम मेरा पड़ा रह जाएगा। बर्तन मम्मी जी ने साफ़ कर दिए थे और फटाफट से पहले मैं कर देती हूँ सफाई। और सफाई भी आज मैं कोई डीप क्लीनिंग नहीं करने वाली क्योंकि आज मेरी हिम्मत ही नहीं है। खाली जो स्लैब वगैरह है उसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी और बस उसके बाद मैं जाऊँगी रेस्ट करने के लिए। सोच रही बच्चे आए उसके पहले एक छोटा सा मैं नैप ले लेती हूँ, नहीं तो फिर उनके आने के बाद तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है सोने का, सोने ही नहीं देते वो दोनों जने, लड़ते झगड़ते बातें करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना।